हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीएल रांची की तरफ से जो वैकेंसीज निकल कर आई है 1180 पदों में, उसमें आप लोग कौन कौन एलिजिबल है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाला है, कम्प्लीट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सीसीएल रांची में अपना 1180 पदों के बीच में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो दोस्तों और जॉब लेना चाहते हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली हम आपको डिस्कस करने वाले कि कितने पदों में यहां पर वैकेंसीज निकल कर आई है, साथ ही साथ कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी कि कौन से मान्यता चाहिए, यहां पर योग्यता चाहिए ताकि आप यहां पर जॉब ले पाएंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब लोकेशन आपका झारखंड के अंदर कहां कहां पर होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाला, और कंप्लीट अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट यहां पर सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को कंप्लीट, हम इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको सीसीएल की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके तरफ से मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीएल यानी कि सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड। दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि सीसीएल आखिर कौन सी कंपनी है। आपको पता होगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिनकी सब्सिडरीज दोस्तों यहाँ पर सीसीएल है यानी कि कोल सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड। इसी तरह के और भी कंपनीज है, जैसे कि आपको पता होगा बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एनसीएल नॉर्दर्न कॉलफील्ड लिमिटेड, उसी की तरफ से वेस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल, और इसी तरह के बहुत सारे और भी सब्सिडरीज दोस्तों, ठीक है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक यहां पर बोल सकते हो यहां पर सब्सिडरीज है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी, और यहां पर ये जो कंपनी है वो कोल निकालने की काम करती है, यानी कि कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अभी मैं बता दूं सीसीएल का लोकेशन क्या रहने वाला है। सीसीएल की बात करूं हेडक्वार्टर कहां पर है तो यह आपको पता होगा दरभंगा हाउस रांची में है दोस्तों। और यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं कि इसका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो झारखंड के जो भी गर्ल्स या बॉयज़ कैंडिडेट है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आया है कि अगर सीसीएल के अंदर यहाँ पर 1080 पदों में आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ को आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात करें तो सीसीएल जो फैला हुआ है दोस्तों वो आपका धनबाद, ठीक है, उसके बाद आपका गिरिडीह आपका डिस्ट्रिक्ट है आपका झारखंड का, उसके बाद आपका हजारीबाग, उसके बाद आपका रांची, उसके बाद आपका बोकारो, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में मेनली आपको बता दें सीसीएल का जो प्रोजेक्ट है यानी कि माइंस है वो चलता है दोस्तों, ठीक है। तो जॉब लोकेशन कहीं ना कहीं आपको रांची भी रहने वाला है, या फिर गिरिडीह या हजारीबाग या फिर बोकारो या फिर आप बोल सकते हो कि धनबाद रहने वाला है, ठीक है। तो जॉब लोकेशन झारखंड के कैंडिडेट के लिए सोच के देखें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हम नोटिफिकेशन को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ सारी डिटेल को क्लियर करेंगे ताकि एक भी चीज आपका बचे नहीं और सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देख लो दोस्तों यहां पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया दोस्तों यानी कि विज्ञप्ति निकाला गया वो 26 अगस्त 2024 को निकाला गया है। यहां पर आप देखो कि आपका रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है जो कि यहां पर आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिस के तहत यहां पर दिया हुआ है, क्लियर है। मैं आपको बता देता हूं ये जो आपका जॉब है वो एक अप्रेंटिस नेचर का है दोस्तों, ठीक है। अप्रेंटिस ये होता है दोस्तों, आपको यहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के पीरियड में दोस्तों आप लोग को यहां पर सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये काफी अच्छा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन से अपना जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो दोस्तों तो आपका वेटेज काफी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से यहां पर छोड़िएगा नहीं कि क्योंकि यहां पर सीसीएल की तरफ से निकला हुआ है वैकेंसीज, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ के बता देते हैं, देखिए अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के से आवेदन करने हेतु अधिसूचना सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड रांची के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा आईटीआई 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 पद के लिए, ठीक है, टोटल 1180 पद के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस पोर्टल एनएपीएस या एनएटीएस के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं उसका मतलब क्या है। तो ये टोटल पोस्ट जो है 1180 है जो कि यहां पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई 10वीं और 12वीं वाले यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने कहां से, तो
तो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम या फिर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के जो पोर्टल है वहां से जाकर भरना है। हम अभी फॉर्म भरकर आपको नहीं बताएंगे फॉर्म के लिए कैसे भरना है। अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं और यहां पर वो फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कौन कौन पोस्ट के लिए कौन कौन सा डिग्री चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अप्रेंटिस का प्रकार, ट्रेड चाहिए कौन सा, कुल सीट कितना, प्रशिक्षण की अवधि कितना रहेगा, विशेषज्ञ के साथ न्यूनतम पात्रता आपका क्या रहेगा यानी कि कौन सी डिग्री आपको चाहिए, और आपको कितना दिया जाएगा पैसा, और आपका यहां पर एज कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल कंप्लीट हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पर ITI के लिए बात किया जा रहा है जो कि NAPS या फिर ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है, जो ITI के अंदर होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, कुल आपके पास 280 सीट है, एक वर्ष का आपका ट्रेनिंग रहेगा, और इसके लिए जो आपका चाहिए डिग्री दोस्तों वो आपका देख लीजिए, 10वीं पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये है दोस्तों ITI के साथ तो आप यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका वेतन जो रहेगा 7,000 रुपये आपका मंथली रहेगा, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। दूसरा जो है दोस्तों फिटर ट्रेड से 150 पद में वैकेंसी निकली, एक वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों, 10वीं पास एवं फिटर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्लियर है। इसका भी सैलरी आपका देख सकते हैं 7,000 रुपये रखे गया है। उसके बाद मैकेनिक डीजल जो कि ITI का ट्रेड होता है दोस्तों, ITI का ही ट्रेड है दोस्तों जो कि मैकेनिक डीजल होता है, जिनमें 30 आपका सीट है, एक वर्ष का ट्रेनिंग है, इसमें आपका 10वीं पास और मैकेनिक डीजल ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं इनका भी सैलरी 7,000 रुपये रखा गया, क्लियर है। इसके साथ साथ हम पहले आपको एज का क्राइटेरिया बता देते हैं दोस्तों, एज जो यहां पर रखा हुआ 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष अनारक्षित वर्ग में होना चाहिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर हम आरक्षित सीटों में देखें जैसे कि SC ST OBC में, तो SC ST के लिए दोस्तों 5 साल अतिरिक्त यहां पर दिया गया, और OBC और NCL के लिए दोस्तों 3 साल और दिया गया, यानी कि 27 और 3 अगर आप जोड़ लोगे तो 30 साल आपका होगा, तभी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हो, बट मिनिमम 18 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ITI का एक ट्रेड है वेल्डर का दोस्तों, ठीक है, वेल्डर का ट्रेड है, 10 सीट है, एक वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों, और यहां पर आपका 10वीं और वेल्डिंग ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि 7,000 आपका वेतन रहेगा। पांचवा है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक। आप बोलोगे कोल इंडिया लिमिटेड में कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम है, अभी देखिए मॉनिटरिंग होता है, कोल आपका जो निकलता है ऑब्स्टिकल होता है दोस्तों, वहां पर पूरी तरह से ऑनलाइन सारी चीजें काम होती है, तो वहां भी वैकेंसीज निकल कर आएगा। काम का प्रोफाइल काफी सिंपल और बहुत आसान रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही ईजी आपको काम मिलेगा, कोई यहां पर टफ काम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्ष का भी ट्रेनिंग है, और यहाँ पर 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेनी में NTC सर्टिफिकेट आपका चाहिए, जो कि 7,000 आपका वेतन रहेगा। छठा है दोस्तों आपके लिए सहयोगी कानूनी सहायक, EI आपका 2 पोस्ट में है, एक वर्ष के लिए निकाला गया है, इसमें आपका जो चाहिए दोस्तों डिग्री वो UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय में LLB, यानी कि अगर आपके पास LLB किया हुआ है दोस्तों तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका जो वेतन है वो यहाँ पर 9,000 रुपये रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका पोस्ट में सहयोगी कानूनी सहायक में 9,000 रुपये आपका वेतन रहने वाला है। अब जो यहाँ पर दूसरा पोस्ट है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं 7वां पोस्ट जो है दोस्तों वो आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का है दोस्तों, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसमें कि 2 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई, एक वर्ष का आपका ट्रेनिंग रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NCT सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि 7,000 आपका वेतन रहने वाला है, ठीक है। एज आपका सबका सेम रहेगा, एज में कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं है। अगर आप यहाँ पर एज की बात करें तो एज आपका सब में सेम रहने वाला है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका एज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम एज ही यहां पर आपको बता देते हैं, देखिए 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष रहने वाला है, यहां से ये सब पोस्ट के लिए, ठीक है। ये जो पोस्ट है दोस्तों वो आपका बी ग्रेड का पोस्ट है, ठीक है। यहां पर आप देखो ये ए जो यहां पर ए है, इसमें आपका जो है एज आपका 18 से 27 चाहिए, और अगर आप यहां पर आप बी वाले ऑप्शन पर आओगे दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं 18 से लेकर आपका 22 अधिकतम होना चाहिए, और अगर रिजर्वेशन आपको मिलेगा SC ST के लिए 5 वर्ष और
ओबीसी के लिए 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग के लिए देख लीजिए कि क्या क्या न्यूनतम योग्यता चाहिए और कौन कौन सारे पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो NAPS, ठीक है, NAPS होना चाहिए आपका अप्रेंटिस का। यहाँ पर प्रकार है NAPS, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेशर अप्रेंटिस भी यहाँ पर आएंगे, फ्रेशर अप्रेंटिस आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन इनका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, ठीक है, यह आपका मैं बता दूं मेडिकल डिपार्टमेंट से जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर जो CCL का अपना हॉस्पिटल होता है दोस्तों वहाँ पर आपको जो ये जॉब आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपको माइंस में ही दिया जाएगा, क्योंकि आप टेक्नीशियन नहीं है, टेक्निकल डिग्री अगर नहीं है आपके पास, अगर मेडिकल डिग्री है जैसे कि GNM ANM है, रेडियोलॉजी का है, तो फिर आप लैब टेक्नीशियन का है, तो फिर आपको हॉस्पिटल में ही दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि पैथोलॉजी अगर कोई किए हैं, ठीक है, तो आप यहां पर कुल 14 सीटों में वैकेंसीज आपका निकाला गया है। आपका प्रशिक्षण का जो अवधि है 15 महीना का रहेगा, ठीक है, 15 मंथ का आपका यहां पर जो है प्रशिक्षण का अवधि रहेगा, यानी कि ट्रेनिंग का आपका रहेगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण, आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है दोस्तों, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि पैथोलॉजी कहलाता है, फिर PCB अगर है 12th में तो आप यहां पर भर सकते हो। अगर आपको सैलरी की बात करें तो कितना मिलेगा, प्रथम वर्ष आपको 7,000 रुपये दिया जाएगा जो कि 12 मंथ के लिए होगा, 12 मंथ के बाद 13वां मंथ से आपको द्वितीय वर्ष 7,700 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सैलरी की तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैलरी है, काम भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 4 पोस्ट में वैकेंसीज निकाला गया है, 15 मंथ का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रथम वर्ष 7,000 रुपये, द्वितीय वर्ष आपको 7,700 रुपये दिया जाएगा। थर्ड में दोस्तों डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अगर आप इस ट्रेड से आपको किए हैं तो फिर आप यहां पर भर सकते हो, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी, 15 मंथ आपका चलेगा ट्रेनिंग, और आप यहां पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण में PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर अगर ये है आपके पास न्यूनतम पात्रता है यानी कि एलिजिबल है तो आप यहां पर इस पोस्ट के लिए भर सकते हो, ट्रेड डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो आपका सैलरी कम हो जाता है, प्रथम वर्ष 6,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 6,600 रुपये, 1,000 का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ में है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी, 2 वर्ष का कोर्स है दोस्तों, 2 वर्ष, 2 वैकेंसीज निकाली गई है, 15 महीने की वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रथम वर्ष 7,000 रुपये मिलेगा, द्वितीय वर्ष 7,700 रुपये आपको यहाँ पर कम जो CCL की तरफ से मिलेगा। फाइव में है दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से 4 पोस्ट में आपका वैकेंसीज है, 15 मंथ का आपका ट्रेनिंग रहेगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। प्रथम वर्ष 7,000 रुपये दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपका 7,700 रुपये यहां पर आपको मिलेगा। उसके बाद है सर्वेयर का पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं 8 पोस्ट में वैकेंसीज है, 15 मंथ का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं, अगर 10th पास सिर्फ है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। प्रथम वर्ष आपको 6,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 6,600 रुपये आपको दिया जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर 7वां पोस्ट है वायरमैन का, जो वायरमैन होते हैं इलेक्ट्रीशियन का, उनका 5 पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है, 2 वर्ष का ट्रेनिंग है, पूरी तरह से आप देख सकते हो 2 साल का ट्रेनिंग है, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है, प्रथम वर्ष आपको 6,000 सैलरी दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष 6,600 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और आपको सर्टिफिकेट जो देगा वो कहीं ना कहीं वायरमैन का देगा दोस्तों, सर्वेयर का देगा, तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां में देख सकते हैं मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिजाइनर, ठीक है। आपको यहाँ पर इसके लिए 10वीं पास होना, सॉरी 10 पोस्ट में वैकेंसीज है, 15 मंथ का आपको वैकेंसी यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्णशिप चाहिए, प्रथम वर्ष 6,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 6,600 आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 9वां नंबर है दोस्तों मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। इनमें आपका 5 पोस्ट निकाला गया दोस्तों, 2 वर्ष का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इसका सैलरी भी 6,000 से लेकर 6,600 रुपये रखा गया, ठीक है।
और यहाँ पर दसवां में देख सकते हैं दोस्तों मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीन, ठीक है, मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीन। आपको पता होगा माइंस में हैवी अर्थ मूविंग मशीन चलता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, HEMM ऑपरेटर का वैकेंसीज निकलता है। तो अगर आप यहाँ पर आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण है दोस्तों, तो दो वर्ष का आपका ट्रेनिंग होगा, 5 पोस्ट पर वैकेंसीज है, मैकेनिक अर्थ मूविंग का जो है मैकेनिशियन के तौर पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। प्रथम वर्ष 6,000 रुपये, द्वितीय वर्ष आपका 6,600 रुपये दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए सी अगर पोस्ट की बात करें पोस्टी में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है अप्रेंटिस का प्रकार NATS के थ्रू आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ पर होगा, ठीक है, NATS के थ्रू, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू, ठीक है। आपको यहाँ पर खनन इंजीनियरिंग, ठीक है, गैर खनन इंजीनियरिंग दो पोस्ट में निकाली गई है। अगर आप खनन इंजीनियरिंग में भरते हो दोस्तों, तो आपका 200 सीट यहाँ पर है, एक वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। दूसरा है गैर खनन इंजीनियरिंग, जैसे कि आपका ये जो है मतलब कि एक तरह से ये माइनिंग का पोस्ट है, ठीक है, ये अगर आप देखोगे खनन इंजीनियरिंग जो आपका लिखा हुआ है, खनन यानी कि माइनिंग सेक्टर्स का, ठीक है, तो इसमें आपका 200 पोस्ट है, एक वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है, डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, क्लियर है। अगर हम यहां पर बात करते हैं गैर खनन इंजीनियरिंग में, ठीक है, इसमें 210 पोस्ट निकाला गया, एक वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक मैकेनिकल, आसैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रीशियन एवं संचार इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये सब जो आपका है वो अदर देन माइनिंग का पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 8,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो, ठीक है, इसमें बस आपका यही कंडीशन है कि जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो 2020 के बाद आपका डिप्लोमा पास किए, ठीक है, अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो, ठीक है, 2020 वाले नहीं चलेंगे, 2021 में अगर आप पास हुए, 22 में पास हुए, 23 में पास हुए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, क्लियर है। तो ये सारे जो पोस्ट हैं उसमें आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, इसके तहत यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी कि बीटेक वाले स्टूडेंट, ठीक है, जो बीटेक किए हैं माइनिंग में, उसके लिए 24 पद यहाँ पर है, एक वर्ष का ट्रेनिंग है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट यानी कि बीटेक होना चाहिए, गैर खनन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक विद अदर डिपार्टमेंट जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, आसैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट, अगर होगा तो आपको 9,000 दिया जाएगा। यानी कि ये जो पोस्ट है वो डिप्लोमा वाले के लिए, यहां से यहां तक अगर आप देखो तो डिप्लोमा की हो तो आप यहां पर भर सकते हो माइनिंग और अदर थिंग माइनिंग सब्जेक्ट्स, और यहां पर आप यहां पर देखोगे तो ये आपका बीटेक वालों के लिए यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जो की हो वो लोग के लिए, चाहे वो आप माइनिंग में की हो या फिर अदर देन माइनिंग सब्जेक्ट में की हो, क्लियर है। उसके बाद यहां पर आप एक पोस्ट और मैं आपको बता देता हूं जो कि है 33 पोस्ट निकाला गया है गैर खनन गैर इंजीनियरिंग, जो कि आपका इंजीनियरिंग नहीं है दोस्तों, 33 पोस्ट में एक वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, बीकॉम में ग्रेजुएट, अगर आप बैचलर बीकॉम किए बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, अगर आपका है दोस्तों तो आप यहां पर भी फॉर्म भर सकते हो और आपको 9,000 यहां पर सैलरी दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका तीन तरह का यहां पर आपका जो था वो मैं बता दिया जो कि आप लोग यहां पर भर सकते हो। पहला आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं जो कि 10 और 12 आईटीआई के लिए, फर्स्ट जो है ग्रुप ए जो है आईटीआई के लिए है जो आईटीआई किए हैं दोस्तों, दूसरा जो ग्रुप है वो आपका मेडिकल वाला, ठीक है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है जो मेडिकल डिग्री यानी कि रेडियोलॉजी ये सब करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्वियर और फिर जो आपका इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए, थर्ड जो है आपका वो डिप्लोमा के लिए, ठीक है, जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, फोर्थ में आपका हो गया जो कि यहाँ पर बीटेक यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो की है बीटेक, ठीक है, उन लोग के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ लास्ट डेट कब गए, ठीक है, तो आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2024 रखा गया, इसके बाद आपका डेट को एक्सटेंड किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप चाहोगे कि डेट बढ़ेगा तो नहीं किया जा सकता है। फॉर्म को भरने के लिए मैं बता दूँ NATS नेट्स के थ्रू आप भर सकते हो या NAPS के थ्रू ही भर सकते हो, ये दो ही आपका जो है यहाँ पर फॉर्म भरने का माध्यम है, आप यहाँ से आपका फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भरोगे तो NATS से भरना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 10th पास वाले जो 12th हैं वो आपका
NAPS, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम, ठीक है, इसके थ्रू आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म कैसे भरोगे वो हम अलग वीडियो में बता देंगे, अभी के लिए हम यहाँ पर आपको ये सब सारे डिटेल को बता दिए। अब यहाँ पर नीचे और भी दिया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, उसके बाद कैसे एस्टेब्लिशमेंट करोगे, फॉर्म आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो ये सारी यहाँ पर डिटेल जो है पूरी तरह से दिया गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट में अपने तरीका से बता देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट है NAPS का, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो NAPS के जो ITI वाला पोस्ट भरेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो ITI वाला पोस्ट भरेंगे या फिर 10th वाला भरेंगे या 12th वाला या फिर मेडिकल वाला पोस्ट, ठीक है, रेडियोलॉजी पैथोलॉजी वो वाले, ये ITI 10th और 12th या फिर मेडिकल वाला पोस्ट जो भरेंगे वो कहीं ना कहीं NAPS के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेंगे, पहले से जनरेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहाँ से भी अपना फॉर्म को आपको भरना है, क्लियर है। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, जो कि आपको बता दें, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं, डिप्लोमा वाले और या फिर बीटेक वाले, ठीक है, या फिर आप बीकॉम वाले, ये तीनों कोई जो है दोस्तों, डिप्लोमा या बीटेक या बीकॉम वाले, वो अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS के थ्रू पोर्टल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोनों के लिए पोर्टल अलग है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों 21 सितंबर तक अगर आप करते हैं, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आप कर लेते हैं वेबसाइट पे जाकर NATS या फिर NAPS में, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वेट करना है आपके मेल पे, ठीक है, आपके मेल पे आपको वेट करना है, और आपके जो ईमेल आईडी रहेगा दोस्तों वहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पर यहाँ पर आपका मेल आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप CCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर अपडेट रह सकते हो, वहां पर भी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही चयन हो जाएगा दोस्तों, CCL यानी कि हेड ऑफिस जो है MTC HRD का ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा, और उसका यहां पर रजिस्टर्ड ईमेल पर ही आपको दे दिया जाएगा अपडेट कि आप यहां पर किस दिन आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है, क्लियर है। सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करो, हम प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर DVD के लिए जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपका कॉन्सर्न जहाँ पर सीट खाली होगा वहाँ पर, या फिर जो हॉस्पिटल में आप सीट आपका खाली रहेगा वहाँ पर, या जो माइंस में आप सीट वैकेंट रहेगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, क्लियर है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर अप्लाई करिए, जो भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, आशा है कि कंप्लीट इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कौन सारे पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, दोनों को ये अप्लाई करिए, ये दोनों के लिए पोस्ट है और ये काफ़ी अच्छा है। CCL से अगर आप अप्रेंटिस कंप्लीट करते हो दोस्तों, तो आपके पास एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, और ये आप कहीं भी जाते हो काम करने या फिर फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें पता चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।